विधानसभा चुनाव के पहले चरण से पहले विपक्ष के नेता राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे बुधवार को घाटी पहुंचे। श्रीनगर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि आप कार्यकर्ता नहीं हैं, आप परिवार हैं। जैसे ही हमें पता चला कि चुनाव होने वाले हैं, हमने सबसे पहले यहाँ जम्मू कश्मीर आने का फैसला किया, क्योंकि हम हर राज्य के लोगों को संदेश देना चाहते हैं कि हमारे लिए जम्मू कश्मीर के लोगों का प्रतिनिधित्व और उनका राज्य का दर्जा सबसे महत्वपूर्ण है। भारत के इतिहास में आजादी के बाद कई केंद्र शासित प्रदेशों को राज्य में बदल दिया गया है, लेकिन सिर्फ एक ही उदाहरण है जब राज्य का दर्जा छीनकर केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। मैं जम्मू और कश्मीर के लोगों से मोहब्बत करता हूँ। ये बहुत पुराना रिश्ता है, खून का रिश्ता है। हिंदुस्तान की हिस्ट्री में आजादी के बाद बहुत सारी बार यूनियन टेरिटरीज को स्टेट में बदला गया है, मगर एक ही उदाहरण है जब स्टेटहुड छीन कर यूनियन टेरिटरी बनाई गई है। ये पहली बार हुआ है, इससे पहले ये कभी नहीं हुआ था। हमारे लिए जम्मू और कश्मीर के लोगों का रिप्रेजेंटेशन, उनका स्टेटहुड सबसे जरूरी चीज है। मैं आपको पर्सनल अपनी बात बताता हूं, मैं लोकतंत्र की रक्षा करता हूं, पूरे देश में करता हूं, रिप्रेजेंटेशन की रक्षा करता हूं, मगर मेरे लिए जो जम्मू और कश्मीर के लोगों के दिल में दर्द है, दुख है, डर है, उसको मिटाना मेरा लक्ष्य है।